आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक स्टार्ट 100 मीटर का। आज सिर्फ 100 मीटर का ब्लॉक स्टार्ट देखेंगे, क्योंकि 200 मीटर और 400 मीटर का ब्लॉक स्टार्ट अलग होता है, क्योंकि वो सब कर्व से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग एडवांस लेवल का देखेंगे ब्लॉक स्टार्ट, और बिगनर्स लेवल का हम ब्लॉक स्टार्ट आगे मेरा चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें हम लोग एडवांस लेवल का ब्लॉक स्टार्ट देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप 100 मीटर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वीडियो आप लोग के लिए। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम नवीन एंड आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स। तो करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होगा, जब आप लोग ब्लॉक में बैठोगे तब आपका आपका एल्बो और आपका जो फ्रंट लेग रहेगा उसके जितना नज़दीक रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ब्लॉक स्टार्ट में सब चीज़ एंगल का होता है। अब किस एंगल से आप निकलते हो उसी में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस एंगल को लाने के लिए आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा आपका हर बॉडी का पोजिशनिंग। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग सेट पोजिशन में रहोगे तो देखिए मेरा जो एल्बो है, मेरा जो फ्रंट लेग का सामने है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही बैठना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपका ये पैर आप अगर आगे रख देंगे, देखिए मेरा जो एल्बो फ्रंट लेग के बहुत पीछे हो गया, तो इसको ऐसा नहीं ले जाना है, क्योंकि जब आप इसको आगे ले जाओगे तो आपका एंगल नहीं बनेगा, आप पूरा पावर से नहीं भाग पाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ला हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो आपका कौन सा पैर रहेगा आगे, कौन सा पैर रहेगा पीछे। ठीक है, आपको हम सिंपल लॉजिक है, पीछे रहता है वही पैर जो आपका रहता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पैर रहेगा पीछे, और आपका जो हल्का सा कम पावर रहेगा वो रहेगा आगे, क्योंकि आपको पुश करके निकलना पड़ता है, तो आपका स्ट्रांग लेग पीछे रहेगा तभी अच्छा से पुश कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए जब आप ब्लॉक लोगे और जब सेट होगे तो आपको देखना है आपका ई पोजिशन आपका कितना फार हो रहा है। ठीक है ना, अगर आपका इला ज़्यादा फार हो जाएगा ना तब आपका एंगल नहीं बन पाएगा। आपको देखना है कि ये हम लोग का डिस्टेंस टू कितना सामने है, आपको जितना सामने आप रख पाओगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप नी और आपका जो फ्रंट लेग का डिस्टेंस जितना दूर रखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको होना पड़ेगा स्ट्रांग, क्योंकि आप अगर इसको दूर रखोगे ना तो आपको बहुत चाहिए, आपका शोल्डर में बहुत पावर चाहिए उसको होल्ड रखने के लिए। तो इतना दूर कौन रख पाते हैं, जब आप इलाइट बन जाओगे तब, क्योंकि उसमें एंगल चेंज होते हैं। ठीक है ना, हम लोग का फोर्थ पॉइंट क्या है, हम लोग का फोर्थ पॉइंट यही है, जब आप सेट में होगे तब आपका जो हिप होगा, आपका हिप शोल्डर हाइट से होना चाहिए अप, समझे ना, आपका डाउन नहीं होना चाहिए, आपका शोल्डर हाइट से अप होना चाहिए, आपका हिप शोल्डर हाइट से होना चाहिए अप। ठीक है, तभी आपका एक प्रॉपर एंगल बन पाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए जब आप ई पोजिशन में होंगे तो आपको ब्रिज बनना चाहिए, देखो ब्रिज हैंड का, देखो ब्रिज बनना चाहिए। ठीक है, आपको फ्लैट हैंड नहीं रखना है, अगर आप फ्लैट हैंड रखोगे तो आप अच्छा से नहीं निकल पाओगे। ठीक है, और देखिए इसमें और एक चीज़ हम बताएंगे, ये सब तो क्या ब्लॉक स्टार्ट का और भी चीज़ है, लेकिन पूरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब चीज़ बता देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो पार्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर बता दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद दो तीन स्टेप और बता रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड स्टेप हम लोग कैसे निकला जाता है और कैसा एंगल होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आप निकलोगे तब आपको 45 डिग्री एंगल में निकलना है, आपको ज़्यादा लो नहीं रहना है। अगर आप निकल के आप ऐसे निकलोगे ना मतलब तो आपका इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, एंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको जब निकलना है ना तब आपको 45 डिग्री एंगल में निकलना है, 45 डिग्री एंगल में निकलोगे तभी आपका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल में ऐसे निकलोगे तभी आपका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। जब ब्लॉक से निकलोगे तब 45 डिग्री एंगल में निकलना है, ज़्यादा लो नहीं रहना है, ज़्यादा लो रहोगे तो आपका एंगल नहीं बन पाएगा, और एंगल नहीं बनेगा तो आपका जितना भी आप सेटअप किए ब्लॉक स्टार्ट में सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी आपका अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आएगा, नहीं तो स्क्रॉल रहा होगा उसमें आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ बेनिफिट दिया हो, तो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।